मेरा नाम रजा फातिमा है, मैंने एमए साइकोलॉजी में एमए किया है और बीएड में मेरा सब्जेक्ट एडवांस इंग्लिश रहा। मैं अलीगढ़ ज़िले से हूँ जहाँ की मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। ये ज़िला गुड एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। मैं इस वक्त मेरे विद्यालय का नाम इंग्लिश मीडियम कंपोजिट स्कूल फरीदपुर ब्लॉक जमा में है वो, और उसमें 191 स्टूडेंट्स हैं। ये सभी स्टूडेंट्स ग्रामीण परिवेश से हैं। इससे पहले मैं यूपीएस कोहिना में थी जहाँ पर सिर्फ 44 स्टूडेंट्स थे। ये बच्चे भी ग्रामीण परिवेश से थे। मेरी समस्या ये है कि इंग्लिश की टीचर्स होने के बावजूद मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, इंग्लिश कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि उनके वहाँ इंग्लिश का बहुत, उस माहौल में इंग्लिश का बहुत अभाव था। तब हमारे ज़िले में ZIIEI की ट्रेनिंग हुई जहाँ पर मुझे एक नवाचार लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने वहाँ पर सरल अंग्रेजी अधिगम इजी मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश नामक एक नवाचार लिखा जो ZIIEI की प्रथम नवाचार पुस्तिका यूपी में प्रकाशित हुआ। उसमें इस मेरे अलावा भी 10 और नवाचार के 11 नवाचार की पुस्तिका है जो, और उससे भारत के कोने कोने से बच्चे फैजियाब हो रहे हैं। मैंने ZIIEI के दूसरे नवाचार भी अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया हूँ कभी, लेकिन जिसने हमारी शिक्षा के स्तर में एक ज़बरदस्त सुधार आया। न केवल हमारे बच्चे हमारे स्कूल में नामांकन बढ़ा, बच्चों का स्कूल में ठहराव बढ़ा, बल्कि वो लैंग्वेज जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होती थी वो ईजी और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लगने लगी। फिर हमारे बेसिक के कुछ स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए जिसमें मेरा सिलेक्शन इस इंग्लिश मीडियम कंपोजिट स्कूल में हुआ जो 1 से लेकर 8 तक, क्लास 1 से 8 तक है। वहाँ मुझे छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का मौका मिला जो बहुत मुश्किल था। तब मैंने इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड किया। इनोवेटिव पाठशाला के ऐप्स में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ TLM के माध्यम से सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के कंटेंट को इतनी अच्छे से समझाने का तरीका बताया गया है जो वाकई में अपनी जगह एक अहमियत रखता है, वाकई में वो सराहनीय है। इनोवेटिव पाठशाला में बहुत से नवाचार शामिल हैं जैसे ग्रिड गेम, लूडो गेम और सांप सीढ़ी का गेम जो बच्चों के कड़े सब्जेक्ट को बहुत सरल बनाता है। दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट मैपिंग है जो कई सब्जेक्ट में यूज़ किया जा सकता है जैसे साइंस, SST, पर इसमें इतनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इतने सरल तरीके से इसमें फ्लो चार्ट के जरिए हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट कंटेंट को भी बहुत ईजी और रुचिकर बच्चों के लिए बना सकते हैं। ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण ने मुझे अपने विषय को एक्टिविटीज़ के आधार पर समझ में आया। इनोवेटिव पाठशाला के ऐप्स के जरिए मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने विषय को डिफरेंट एक्टिविटीज़ और TLM की बेस पर किस तरह पढ़ाऊँ। इसके अलावा भी मैंने अपने स्कूल में इनोवेटिव पाठशाला की बहुत सी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया, अपनाया। तब हमारे शिक्षा के स्तर में एक ज़बरदस्त सुधार आया जिसका क्रेडिट मैं अपनी पूरी ZIIEI टीम को, स्पेशली अशोक सर, मयंक सर, शशांक सर और हमारी अलीगढ़ ज़िले के इनोवेटिव पाठशाला के इंचार्ज सुशील सर, अभिषेक सर, अमित सर जो इस वक्त हम लोगों को इनोवेटिव पाठशाला का ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको इसका क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने मेरा कदम कदम पे मार्गदर्शन किया और मेरे सहयोग दिया, मेरे स्कूल को
रोल मॉडल स्कूल कहा जा सकता है। और इसके इसके लिए मैं और मेरा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, ZII EI की पूरी टीम को, SDIFC को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारे बेसिक के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक मंच दिया। थैंक्स।